अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अक्सर हमारा कंप्रेसर का बेयरिंग टूट जाता है या डिलेमो का बेयरिंग टूट जाता है, तो उसका सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि अरबी में इसको शदाद बोलते हैं। और हम लोग इसके ये जो आपके बेल्ट का ख़ुद मीज़ानिया करता है, देखो अभी ये मैंने ख़रीदा है 150 रियाल में, ठीक है। इसमें आ गया था गेफ, इसमें जब गेफ आ जाता है ना गेफ, तो इसकी वजह से फिर आपका जो बेल्ट है वो टेढ़ा हो जाता है। आपका जब बेल्ट टेढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो कंप्रेसर का बेयरिंग है उस पर ज़ोर होता है, आपका डिलेमो का जो बेयरिंग है उस पर ज़ोर होता है। तो आप इसको लाजिम 3 महीने 2 महीने बाद इसको चेक किया करो, इसमें गैप है कि नहीं। ये टोटल 150 रियाल का मिलता है अच्छे वाला, और 150 रियाल की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान मिलता है। तो अभी ये मैं चेंज करने लगा हूँ इसको, तो मैंने खोल दिया है। इसका खोलने का बहुत ही आसान तरीका है, देखो ये ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ठीक है। हम लोग जब जब बेल्ट डालते हैं बेल्ट, तो ये गुठी जो है ना ये इधर हो जाता है, और फिर हम ज़ोर देते हैं अंदर। जब इसको ज़ोर देते हैं तो इसमें गैप आता है, उसकी वजह से हमारा बेल्ट डलता है। तो अभी मैं अंदर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये किधर डलता है, किस तरह। इसको खोलने के लिए आप लोगों को ये बेल्ट के लिए चाहिए, सिर्फ बेल्ट निकालने के लिए, डालने के लिए। ये इसका 12 नट है, सिर्फ आपको 12 का एक चाबी चाहिए, और आपको एल की चाहिए, एल की, सिर्फ इस नट के लिए। आप इस एल की से लूज़ करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा, बस। बिल्कुल आसान तरीका है, आप खुद डाल सकते हो, अगर आपका अपना गाड़ी है तो आप डाल सकते हो। आपसे इस काम का जो मैकेनिक है, मिस्री है, वो आपसे 250 रियाल लेता है, 150 रियाल लेता है, 200 रियाल। तो अगर आपका अपना गाड़ी है तो आप कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। ये तो अभी मैंने निकाल दिया, निकालने का वीडियो नहीं, डालने का वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह, जिस तरह डालते हैं उस तरह निकलता भी है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, इसका ये मीज़ानिया का जो स्प्रिंग है ना, ये अक्सर उसका ठीक होता है, ख़राब नहीं होता है। तो मैं अभी ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको। ये अभी हमें 12 का नट चाहिए, और एक हमें इल की चाहिए, बस ये 3 चीज़ें चाहिए। अभी मैं अंदर जाता हूँ गाड़ी के। अच्छा दोस्तों, अभी मैं नीचे आ गया हूँ। ये बहुत ही आसान काम है, ठीक है, इसमें कोई भी सख्त काम नहीं है। ये आएगा इस तरह, ठीक है। देखो पहले मैं ये 12 का काबला लगा दूंगा, इधर 12, इधर 12 लगा दूंगा इधर, और फिर दूसरा बड़ा वाला नट जो है वो इधर आएगा, बस इल की जो है बस, और फिर मैं बेल्ट डाल दूंगा, बस खलास। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अभी मेरा दोनों हाथों का काम है, तो मैं लगाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये अब मैंने चेंज कर दिया ना, सिर्फ ये एक लिंक ही है और एक 12 का नट, बस इतना आसान काम है। तो इसकी वजह से आप लोग को बहुत ही नुकसान मिलता है, तो ये लाजिम 1 महीने 1.5 महीने बाद चेक करना चाहिए। इसका इसमें गैप आता है, और ये जो नट है ये लिंकी जो है इधर, ये इधर देखो इधर, तो इधर इसमें गैप आता है, तो उसकी वजह चाल आता है, तो उसकी वजह से आपका जो बेयरिंग है वो टूट जाता है, डिलेमो का, ये कंप्रेसर का, डिलेमो का, कंप्रेसर का भी टूट जाता है और डिलेमो का भी टूट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।